आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगति समाजवादी पार्टी लोहिया की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ में हुई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि 9 दिसंबर को जन आक्रोश रैली होगी। यह एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है। देश और प्रदेश में हमारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में देश और प्रदेश की सरकार को बदलने का काम करेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि 9 दिसंबर को रमाबाई अम्बेडकर मैदान में संविधान बचाओ ईवीएम हटाओ देश बचाओ महारैली का सफल आयोजन का आह्वान किया गया है। आज किसानों की हालत खराब है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है। बेरोजगार युवाओं ने जब भी अपना हक सरकार से मांगा तो उनको सिर्फ लाठियां ही मिली। शिवपाल सिंह यादव ने पारदर्शी चुनाव के लिए पेपर से चुनाव होने की मांग उठाई। प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने भाजपा के ऊपर भी तंज कसते हुए कहा कि नोटबंदी व जीएसटी से देश की जनता बुरी तरह से त्रस्त है। जनता की सभी पार्टियों से मोह भंग हो चुका है। 9 तारीख को रमाबाई अम्बेडकर मैदान में जन आक्रोश रैली होगी। शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि इस रैली में नेताजी को भी बुलाने का विचार करेंगे। उन्होंने बताया कि नेताजी के जन्मदिन के मौके पर सैफई में बड़े दंगल का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता नेताजी के जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। No, this